हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी स्टोर। सो गाइस, मैं हूं नंदिनी और मैं अपने चैनल पर देती हूं नई रेमेडी और मेकअप से जुड़ी जानकारी। सो गाइस, आज की रेमेडी जो है ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन गर्मियों में भी ड्राई रहती है, सर्दियों में भी ड्राई रहती है, तो वो लोग अपनी स्किन की नाइट में केयर कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी स्किन पर ऐसा क्या यूज़ करें जिससे कि उनकी जो स्किन है ड्राई होने से बच जाए, यानी पैची होने से बच जाए और उनकी स्किन एकदम ग्लोइंग करने लग जाए। तो गाइस, आज मैं बहुत ही अच्छी आपको रेमेडी बताने वाली हूँ कि नाइट रूटीन में आप किस तरीके से अपनी फेस को अच्छा बना सकते हैं। सो गाइस, रेमेडी यूज करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फेस को अच्छे से वॉश करेंगे, यानी कि आप इसी तरीके का, ये मेरे पास हिमालय का फेस वॉश है जो कि मैंने कर लिया है, तो आप इसी तरीके का ड्राई स्किन वाले जो होते हैं, जो जेल फॉर्म में फेस वॉश आते हैं, आप वही यूज करें। आप एकदम व्हाइट, आपने व्हाइट टोन में क्रीम देखी होंगी या जैसे पॉन्ड्स के आते हैं, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि इनमें काफी केमिकल्स होता है, ये ऑयली स्किन के लिए ही फिट रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जेल फॉर्म में ही किसी भी कंपनी का आप अपने लिए फेस वॉश ले सकते हैं। सो गाइस, मैंने ये एलोवेरा का फेस वॉश लिया है और वो मैंने मतलब अपना फेस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब मैं रेमेडी स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, फेस वॉश मैंने अच्छे से कर लिया है और फेस वॉश के बाद में मैं क्या करूँगी, तो मैं ले लूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। तो मैं अपने पूरे फेस के लिए एक कैप्सूल निकाल लूँगी, ठीक है, और अब मैं इस कैप्सूल से अपने पूरे फेस की मसाज करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से आप इस ऑयल को निकाल लेंगे अच्छे से और अपने पूरे फेस की मसाज करनी स्टार्ट करेंगे। ये पहले आप इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, ये देखो इस तरीके से, ये थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो आपको हाथ चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस 5 मिनट की आपको गाइस इस ऑयल की मसाज देंगे, ये देखो, और आप रोज वाटर ले लेंगे और इस तरीके से स्प्रे करेंगे, ये देखिए। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी और कारगर रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो इस तरीके से आप अपने पूरे फेस की मसाज करना स्टार्ट करें। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि राउंड सर्कल में ही आप अपने पूरे फेस की मसाज करना स्टार्ट करेंगे। दस से 5 मिनट तक के लिए आप ये मसाज करेंगे। सोने से पहले गाइस आप कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी स्किन को देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्किन पर पैचेस नहीं पड़ेंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे और दाग धब्बे भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। सो गाइस, फेस की केयर करनी बहुत जरूरी है, ये देखिए इस तरीके से आप इसे मसाज के साथ में एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन के अंदर, और राउंड राउंड आप इस तरीके से हाथ चाहिए। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए एक एज के हिसाब से क्या होने लगता है कि हमारी जो आईज होती है वो फ्लफी होने लगती है और गिरने लगती है, तो आप उसके लिए जितने अच्छे से आप अपनी मसाज करेंगे उतने अच्छे से आपके जो चेहरे के फीचर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं गाइस। ये देखिए आपकी आईज जो है हुडेड आईज होगी, इसी तरीके से गाइस आप कम से कम 5 मिनट अपनी मसाज करेंगे फेस की। इस तरीके से सो गाइस, ये देखिए 10 मिनट मुझे हो चुके हैं और जितना मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना था उतना ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। सो गाइस, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। तो गाइस, मैंने पहले क्या किया है, फेस वॉश किया है, उसके बाद मैंने विटामिन ई के कैप्सूल से अपने फेस की मसाज करनी स्टार्ट करी है। तो अब मैंने 10 मिनट के लिए अपने फेस पर इसे छोड़ दिया था एज इट इज और अब ये एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब हम इसी के ऊपर से क्या करेंगे, इसको क्लीन नहीं करेंगे, इसी के ऊपर से हम अपना एक फेस मास्क बनाएंगे और उसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। सो गाइस, फेस मास्क बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये मुल्तानी पाउडर और थोड़ा सा ले लिया गाइस मैंने ये
कच्चा धनिया, ठीक है। और तीसरी चीज गाइस जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है रोज वाटर। तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है गाइस, बस अलग से विटामिन ई का कैप्सूल था जो अक्सर आज के टाइम में सभी के घर में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइस पैक बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ले लिया ये एक चम्मच के समथिंग मुल्तानी पाउडर, और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच के समथिंग ये कच्चा दूध। ये देखिए, अगर आपके पास में घर पे कच्चा दूध नहीं है, बॉयल दूध है, या आपको लगता है कि हमारे पास तो कच्चा दूध बचा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, बॉयल दूध लेंगे लेकिन ठंडा लेंगे और मलाई उस पे से बिल्कुल हटा देंगे गाइस। तो ये देखिए मैंने इसमें दूध भी डाल लिया एक चम्मच, और अब मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर, ये देखिए, और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए गाइस, तो अभी इसमें मैं कच्चा दूध और डाल लूंगी। कोशिश करें कि आप कच्चे दूध का ज्यादा इसमें यूज करें। ये देखिए, कच्चे दूध के स्किन को फेयर भी बनाएगा और हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाएगा गाइस, यानी कि ड्राई स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई होने से भी बचाएगा और स्किन को एकदम अच्छा स्मूथ बनाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, गाइज ये देखिए 10 मिनट मुझे हो चुके हैं, और जितना मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना था उतना ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। सो गाइज, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। तो गाइज, मैंने पहले क्या किया है, फेस वॉश किया है, उसके बाद में मैंने विटामिन ई के कैप्सूल से अपने फेस की मसाज करनी स्टार्ट करी है। तो अब मैंने 10 मिनट के लिए अपने फेस पर इसे छोड़ दिया था एज इट इज, और अब ये एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसी के ऊपर से क्या करेंगे, इसको क्लीन नहीं करेंगे, इसी के ऊपर से हम अपना एक फेस मास्क बनाएंगे और उसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। सो गाइज, फेस मास्क बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये मुल्तानी पाउडर, और थोड़ा सा ले लिया गाइज मैंने ये कच्चा दूध, ठीक है। और तीसरी चीज गाइज जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है रोज वाटर। तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है गाइज, बस अलग से विटामिन ई का कैप्सूल था जो अक्सर आज के टाइम में सभी के घर में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइज पैक बना लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, और मेरा जो ये पैक है ड्राई हो चुका है, यानी कि सूख गया है। अब मैं इसे फिर से वेट कर लूंगी, क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली नहीं हटाऊंगी गाइज। कोई भी फेस पैक है, अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए सिवाय पील ऑफ के अलावा, लेकिन आप पील ऑफ का भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे रेमेडी में कभी बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यह रोज वाटर को स्प्रे कर लिया है, और अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए फेस पैक की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले उसे रिमूव नहीं करेंगे, आप उसे गीला करने के बाद हल्के हल्के हाथों से फेस की मसाज करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी अगर स्किन पर कोई टैनिंग है या डेड स्किन है तो वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने पूरे फेस की मसाज करें। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और इस तरीके से आप पूरे जहां तक आपने पैक लगाया है वहां तक आप अपने पूरे पैक से अपने स्किन की मसाज करेंगे। ये देखिए, सो गाइस, मेथड बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी भी है, और बहुत कारगर है, वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। और अब मैं इसे निकाल दूंगी। क्या हुआ कि आपके फेस की मसाज भी हो गई, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, ड्राई स्किन जो है बहुत सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएगी, और साथ में आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा। सो गाइस, मैं इसे अच्छे से वॉश करके आती हूँ, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है, और आप खुद ही देखिए, मैंने इसके ऊपर से कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी, और आप देखिए नोज भी शाइन कर रही है और फेस भी मेरा शाइन कर रहा है हल्का हल्का। तो आप क्या करेंगे, इस रेमेडी को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप इसे करेंगे, यानी कि जिनकी स्किन ड्राई है वो इस रेमेडी को ज़रूर करेंगे। वैसे इसे ऑयली स्किन वाले और मिक्स स्किन वाले अच्छे से कर सकते हैं, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप इस रेमेडी को करेंगे तो गाइस बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, एक चीज़ और, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद में आप या तो नारियल का तेल लगा लें, या आपके पास में कोई भी कोल्ड क्रीम हो जो अच्छी और आपको सूट करती हो, आप उससे हल्की सी अपने फेस की मसाज करके
आराम से सो जाइए गाइस। तो मेरी स्किन मिक्स है, ना ऑयली है ना ड्राई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ रोज वाटर का स्प्रे करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और स्प्रे करके मैं इसे कम से कम 10 से 5 मिनट के लिए अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइस ये देखिए रोज वाटर मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो मेरी तो रेमेडी कंप्लीट हो गई है। और अब बज रहे हैं रात के 10:30, तो मैंने तो अपना नाइट रूटीन कंप्लीट कर लिया है। आप कब करेंगे, आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगती है। सो बाय गाइस, टेक केयर।